Assalamu alaikum students, welcome to Mathematics Point. Today I'm here with chapter number 7, ratio, rate, speed and time, exercise 7D, and we are moving towards the last questions of this chapter, that is the question number 5 and question number 6. In the previous video we already covered this chapter. If you watch the video, so all the questions have been done in that videos. So today we'll start with the question number 5. Okay, so directly move towards the question number 5. I just repeat the formula that we have in our books for the speed. Speed is equal to distance travel divided by time taken. किसी भी चीज़ की जब आप स्पीड मेजर कर रहे होते हैं तो हम किस तरह एस्टिमेट करते हैं कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया गया. अगर तो टाइम हमारे पास कम से कम लगता है और डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेते हैं तो हम उसको उतना बता देते हैं कि फास्टेस्ट चीज़ है. उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्पीड का अंदाज़ा लगाते हैं कि जिस चीज़ की हम स्पीड को फाइंड आउट कर रहे होते हैं. ठीक है, अब हमारे पास स्पीड की डिफरेंट यूनिट हो सकती है. आपने जो लास्ट क्वेश्चन 3 और 4 किया था उसमें हमारे पास मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट एंड सेंटीमीटर पर सेकंड, डिफरेंट यूनिट्स में हम चाहे जो भी यूनिट हो हम स्पीड को जब एक दफ़ा फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं. ओके, क्वेश्चन 5 इज अ बुलेट ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 365 किलोमीटर पर आवर. इन अगस्त 2001 सिंगापुर्स नेशनल रिकॉर्ड फॉर द मैंस 100 मीटर स्प्रिंट वाज सेट एट 10:37 सेकंड. हाउ मेनी टाइम्स इज अ बुलेट ट्रेन एज फर्स्ट एज द फर्स्टेस्ट सिंगापुर स्प्रिंटर. आपके पास ये जो क्वेश्चन है दैट इज एक्जैक्टली द सिमिलर दैट द क्वेश्चन वी हैव डन इन प्रैक्टिस नाउ 12 क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, इन दैट केस वी हैव अ स्प्रिंटर एंड अ स्पीड ऑफ द चीता. टू डू द कंपैरिजन इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ बुलेट ट्रेन एंड अ स्प्रिंटर. एंड व्हाट इज द स्प्रिंटर? द फास्टेस्ट रनर मैन इज कॉल्ड द स्प्रिंटर. सो इन दिस वी हैव टू डू द कंपैरिजन. इफ यू लुक आउट द डेटा दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपके पास ट्रेन की स्पीड तो है बट वी डोंट हैव द स्पीड ऑफ द मैन. हमें उसमें टाइम दिया है कि टाइम 10:37 सेकेंड्स में वो जो मीन स्प्रिंटर है वो कितना फर्स्ट डिस्टेंस कवर कर लेता है 100 मीटर का. सबसे पहले तो हमने इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है. हमारे पास इसकी स्पीड नहीं गिवन, हमारे पास बस इतना डाटा गिवन है कि इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है. हमें सबसे पहले इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है. देन एक और चीज़ जो कि आपने नोट करनी है, एज अ वुमेन स्प्रिंटर हमारे पास सेकंड्स और मीटर गिवन है. ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेन की स्पीड से उसको कंपैरिजन करवाना चाहते हैं तो इसकी यूनिट कौन सी है? किलोमीटर पर आवर. सो आपको कंपैरिजन करा तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास यूनिट सेम. तो हमने इसकी स्पीड भी फाइंड करनी है एज वेल एज उसकी यूनिट्स कौन सी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स ऑफ द बुलेट ट्रेन. ठीक है, तो उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग हमें होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर दैट वी मूव टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, हाउ मेनी बुलेट ट्रेन इज फास्ट एज द वुमेन स्प्रिंटर. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. ओके जी, स्प्रिंटर स्पीड एंड फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. ठीक है, एस इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है? दैट इज 100 मीटर एंड टाइम इज 10:37 सेकेंड्स. ठीक है, अब जिस स्पीड से हम कंपेरिजन करा रहे हैं जो कि हमारे पास बुलेट ट्रेन की स्पीड है वो हमारे पास गिवन है 365 किलोमीटर पर आवर. मैं इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ कि हमें आइडिया हो जाए कि हमने सबसे पहले यूनिट्स को किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. ठीक है, अब इन मीटर्स को हमने किलोमीटर में चेंज करना है तो हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? थाउजेंड्स मीटर. सो यू हैव टू डिवाइड इट. एक और चीज़ कल जो हमने की थी दैट इज़ वेन एवर यू आर मूविंग टूवर्ड्स द स्मॉलर टू ग्रेटर यूनिट. ठीक है, हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने लग रहे हैं, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जंप करें तो हमेशा हमें डिवाइड करना होता है. ठीक है, और किससे डिवाइड करेंगे? 100 से, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट सेकेंड से टाइम कन्वर्ट हो रहा है आवर्स में. ठीक है, और अगेन स्मॉलर टू ग्रेटर है हमारे पास तो डिवाइड होगा. अब किससे डिवाइड होगा? 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. अब ये सब चीज़ें आपके पास ऐसे जनरल नॉलेज हैं, आप इसको ना भी लिखें तो इट्स विल बी ओके, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास ये वो स्टेप्स हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को रिइंफोर्स करते हैं. तो हम डिवाइड कर लेते हैं. स्पीड हमारे पास किसकी इक्वल थी? 100. अब 100 मीटर है, इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय द 1000. ओके जी, टाइम हमारे पास है 10.37 सेकेंड, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय द 3600
ताकि आपके पास अवर्स में आ जाए और यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस किलोमीटर में हो जाएगा. ओके नाउ वी डू द सिंपलीफिकेशन. ओके जी नाउ यूज़ द कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस और आप मैनुअली भी कर सकते हैं. 100 डिवाइडेड बाई 1000 ब्रैकेट्स को यूज़ करें क्योंकि ब्रैकेट की वजह से क्या होता है मिस्टेक कम होती है एरर कम आता है. देखिए 100 डिवाइडेड बाई 1000 सो मैंने ब्रैकेट्स यूज़ कर ली. नाउ डिवाइडेड बाय 10.37 सो 10.37 डिवाइडेड बाय 3600 ब्रैकेट क्लोज. सो द टर्म दैट वी हैव इज 34.7155 सोन सो वी हैव टू राउंड ऑफ हियर 34.716 कर लेते हैं. ठीक है हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं. अब हमारे पास स्पीड जो है ये वुमेन स्प्रिंटर की किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से आ गई है. अब हमने इसको कंपैरिजन कराना है टू द स्पीड ऑफ द बुलेट ट्रेन. ठीक है बुलेट ट्रेन की हमारे पास स्पीड क्या थी. स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन एज कंपेयर टू स्प्रिंटर. ओके जी बुलेट ट्रेन की स्पीड हमारे पास गिवन थी 365 किलोमीटर पर आवर और वुमेन स्प्रिंटर की भी हमने स्पीड फाइंड आउट कर ली 34.716 किलोमीटर पर आवर. डिवाइड कर देते हैं इसको 365 डिवाइडेड बाय 34.716. ओके जी कितनी स्पीड बुलेट ट्रेन हमारे पास फास्टर है एज कंपैरिजन टू द वुमेन स्प्रिंटर इज 10.51. राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ कर लेंगे. यहाँ पे आपके पास राउंड ऑफ कर लेते हैं हम 39 कर लेते हैं 39 किलोमीटर पर आवर. ओके जी ये हमारे पास आंसर है कि हमारे पास कितनी फास्टेस्ट से बुलेट ट्रेन इज फास्टेस्ट एज 10.5139 किलोमीटर पर आवर फास्टेस्ट एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ द वुमेन स्प्रिंटर. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6. ओके जी क्वेश्चन नंबर 6 इज अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 19 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट द एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 55 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर इट्स एंटायर जर्नी. अच्छा आपके पास इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है कि पहले जो 19 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो एक एवरेज स्पीड 57 के हिसाब से कवर किया गया. सेकंड में 55 किलोमीटर का डिस्टेंस आपके पास 110 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से कवर किया. हमने बताना है कि ये तो दो पार्ट्स की एवरेज स्पीड्स आ गई. ओवरऑल उस टोटल जर्नी में आपके पास जो कार थी उसकी स्पीड कितनी रही थी. हमने फिर से एक एवरेज स्पीड फाइंड करनी है. ठीक है टाइम्स यहाँ पे मिसिंग है. देखिए टाइम पहले में कितना टाइम लगा. डिस्टेंस और स्पीड है टाइम नहीं है. सेकंड में डिस्टेंस स्पीड है टाइम नहीं है. तो हमने पहले टू पार्ट्स में पहले टाइम को फाइंड आउट कर लेना है. देन आफ्टर दैट बाय यूजिंग द अगेन दैट फार्मूला दैट इज द फार्मूला ऑफ द स्पीड वी हैव टू पुट आउट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. ओके जी नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन. एवरेज स्पीड in first part, first half, whatever you want to write. ठीक है आपके पास स्पीड का क्या फॉर्मूला है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. स्पीड आपके पास कितनी गिवन है 57 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस हमारे पास कितना है 19 किलोमीटर और टाइम हमारे पास नहीं फाइंड. फर्स्ट से हम देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें. 19 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से यानी कि हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है. t इधर स्विच करवा लें. टाइम इज इक्वल टू 57 आपके पास क्रॉस में नीचे चला जाएगा 19 किलोमीटर यानी कि 90 डिवाइडेड बाय 57. पूरा क्रॉस ओवर करवाने की जरूरत नहीं. एक स्टेप ही आपके पास एक्स्ट्रा होंगे. आप 19 को 1 से करवा लें t 57 से मल्टीप्लाई और फिर t को सेपरेट करेंगे यानी कि अपना वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो आपके पास यही फॉर्म बनती है. 19 इसी तरह आप रहने थे और t और 57 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लें. ओके जी 19 डिवाइडेड बाई 57 इज इक्वल टू 1/3. तो फर्स्ट हाफ का t 1 कर लें इसको. हमारे पास टाइम कितना है 1/3. नाउ एवरेज स्पीड इन सेकेंड हाफ नोट एवरेज स्पीड शुड बी टाइम इन सेकेंड हाफ.
ओके जी, स्पीड इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टी टू कर लेते हैं इसको। स्पीड आपके पास कितनी गिवन है? 110 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 55 किलोमीटर। टाइम हमारे पास अननोन है, अगेन क्रॉसिंग करवा लें इसकी। सो टी टू इज इक्वल टू 55। आपके पास जो 110 न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर में मूव कर जाएगा 110। यहाँ से सिंप्लीफाई करवा लेते हैं हम टाइम को। 55 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू 1/2। अब दो टाइम आ गए हमारे पास, टी वन के आपके पास 1/3, टी टू के आपके पास 1/2। हम इसको ऐड अप कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितना टाइम लगा है यहाँ पे। टोटल जर्नी का आपके पास कितना टाइम था? 1/3 प्लस 1/2। टोटल टाइम कितना उस कार को लगा ट्रैवल करने में, जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया? हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा? फाइव बाय सिक्स, यानी कि 5/6 आपके पास टोटल टाइम था जो कि कार ने ट्रैवल किया। टाइम हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड आउट कर लेना है कि हमारे पास एवरेज स्पीड क्या है। सो अगेन वी हैव टू रीराइट द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ कार इन होल जर्नी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन और टोटल टाइम। ओके जी, फर्स्ट हाफ में हमारे पास था 19 किलोमीटर, देन सेकेंड हाफ में हमारे पास कितना टाइम था? दैट इज 55 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम हमारे पास था 5/6 आवर, और टाइम हमारे डिस्टेंस हमारे पास था किलोमीटर। एड अप कर लेते हैं, 55 + 19, सो वी हैव अ टाइम डिस्टेंस 74, एंड टाइम हमारे पास 5/6 है। 6 हमारे पास क्या हो जाएगा? न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 74 × 6 एंड डिनोमिनेटर में 5 इस तरह होगा। यूनिट आपके पास किलोमीटर पर आवर आएगी, 4 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, एंड वी हैव टू डिवाइडेड बाय द 5, सो वी गेट एन आंसर दैट इज, ओके गेट आंसर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स 88.8 किलोमीटर पर आवर, एंड होल फॉर्म में आपके पास होगा 88 × 5 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। So we have done with the question number 5 and 6. I hope so it is clear to you. If you have any queries, so you can put your query in the comment section. Take care yourself. Allah Hafiz.